सो हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप वीवो Y73 मोबाइल में आप जो है गेस्चर सेटिंग को कर सकते हो, यानी गेस्चर नेविगेशन जो सेटिंग होती है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों, इसके अंदर आपको बटन्स को जो है गायब करने का यानी कि हाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ ही साथ इस वाली बटन को इस पार ला सकते हो यानी कि इनको बदल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, कैसे आपको सेटिंग करना है स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन कर लोगे दोस्तों तो इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, नीचे जाना है। नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक सिस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हो सिस्टम लिखा हुआ है, तो सिस्टम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। लेकिन अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन मिल रहा है आपको, सिस्टम नेविगेशंस। तो सिस्टम नेविगेशंस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वाली बटन्स मेरा जो इसका रूप है इस वाले पर क्लिक है। अगर मैं इस वाले पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरी बटन्स चेंज हो गई। यहाँ पर मैं आपको फिर से क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये बटन्स जो है चेंज हो जाती हैं। तो ये वाली जो बैक बटन है ये इस तरफ है, इस पर करूँगा तो उस तरफ हो जाएगी। तो ये इतना दोस्तों, यहाँ से आप बटन्स को आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, अगर आप इन बटन्स को हाइड करना चाहते हो यानी कि पूरे मोबाइल से आपको बटन हाइड करना है और फिर भी आपको इसको यूज़ करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको गेस्चर नेविगेशन सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो गेस्चर नेविगेशन लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हाइड बॉटम बार को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है यानी कि इनेबल कर देना है। इससे आपकी बटन्स जो है हाइड हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इनको यूज़ करना है तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर इस साइड से अगर आप करोगे तो ये बैक हो जाएगा, इस साइड से करोगे तब भी बैक हो जाएगा, और यहाँ से करोगे तब भी बैक होगा। तो लेकिन दोस्तों, अब आपको होम स्क्रीन को यहाँ पर जो है, जैसे कोई ऐप आपने ओपन किया है तो उसके बाद यहाँ से आप बीच से इसको ऊपर की तरफ करोगे तो यहाँ पर जो है आपका जो ये होता है रिसेंट ऐप्स होते हैं यानी कि जो विंडो ऐप होते हैं ये ओपन हो जाएंगे। और इस तरीके से दोस्तों, आप यहाँ पर जो है इन सेटिंग्स को कर सकते हो। देखिए, मैं कोई भी ऐप को फिर से मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैंने कोई भी ऐप को यहाँ पर ओपन कर लिया और उसके बाद यहाँ से मैं ऊपर करूँगा तो ये बैक हो जाएगा। ये बैक भी हो जाता है दोस्तों यहाँ से, और आप अगर लॉन्ग प्रेस कर दोगे देर तक तो यहाँ से ये जो रिसेंट ऐप्स होते हैं वो आ जाएंगे। और यहाँ से आप इस तरीके से इसको बैक कर सकते हो। इस साइड से भी बैक होगा और इस साइड से, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं इस साइड से करूँगा तो ये बैक हो जाएगा। ये देखिए, बैक हो गया। दोस्तों, इस तरीके से आप गेस्चर नेविगेशन सेटिंग्स को यूज कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।